18 न्यूज चैनल अप नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। चौथे चरण में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ 28 केरी लोकसभा सीट के लिए आज नामांकन का काम शुरू हो गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में लोकसभा सीट के साथ साथ निगाशन विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी नामांकन का काम चल रहा है। पहले दिन बीजेपी के खीरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय मिश्रा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। आज अजय मिश्रा टीम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह को अपना नामांकन सौंपा है। देखिए, आज 2 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और 9 अप्रैल तक नामांकन की 9 अप्रैल को सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र का अंतिम तिथि है। नामांकन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके अलावा जो निघासन उपचुनाव है, अपर SDM जो है उनके कोर्ट में नामांकन लिए जा रहे हैं। नामांकन के लिए पूरी यहाँ पर फोर्स की व्यवस्था है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था है और जो नामांकन कक्ष है वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और अभी तक प्रातःकाल से लेकर अभी समय तक लगभग 1-1.5 बज रहे हैं। इस समय तक लगभग 1 नामांकन अभी हुआ है, बाकी 3 बजे तक का समय है। अगर और कोई नामांकन आता है तो उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। क्या मामला है उसको लेकर? अरे, इसमें नामांकन में क्या मामला होगा? 2019 का लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का सबसे सशक्त राजनीतिक दल है। आज से हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ हुआ है तो हमने नामांकन किया है, सरकार बनाने के लिए किया। जिस तरीके से गठबंधन जो लगातार तंज कस रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तंज वही लोग करते हैं जो हारे हुए लोग होते हैं, हताश और निराश लोग होते हैं। गठबंधन हो या महाठगबंधन हो, किसी के पास अब कुछ शेष नहीं है। पूरा देश मोदी पर विश्वास कर रहा है। हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो हताशा और निराशा में मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध तक की स्थिति में खड़े हो गए हैं। लोगों ने उनको पहचान लिया है। 100% नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनने जा रही है और हमने जो तय किया है कि हम नए भारत का निर्माण अपने आगामी कार्यकाल में करेंगे। प्राइम 18 न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फराज खान की रिपोर्ट।